शामली में सीएमओ की तानाशाही के चलते किसानों ने की महापंचायत, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ सहित अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जनपद में पनप रही दर्जनों अल्ट्रासाउंड सेंटर व फर्जी प्राइवेट अस्पताल। सैकड़ों किसानों ने सीएमओ ऑफिस पर टेंट लगाकर महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें अनिश्चितकालीन धरना चलने की बात कही गई। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद में चल रहे फर्जी अस्पताल को लेकर, वहां हॉस्पिटल में फर्जी डिग्री लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर जनपद के किसान आक्रोश में आ गए। पूर्व में कई बार शिकायत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे, जिसको लेकर आज मजबूर किसानों ने सीएमओ ऑफिस पहुंचकर सैकड़ों की तादाद में महापंचायत का आयोजन किया। किसान नेता विनोद निर्वाल का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। किसानों ने आज तो धरने के दौरान गैस चूल्हा भी जमा लिया, जिसमें खान पान की व्यवस्था की गई। विनोद जी, आज जो महापंचायत का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, जो किस को लेकर क्या क्या मांग रहे हैं? शामली सीएमओ जो भ्रष्टाचार और यहाँ पर तानाशाही इसकी चल रही है, और जो यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम इन्होंने खोल दिए, बाहर से फर्जी डॉक्टर बुला के प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित किए जा रहे हैं, तो उनके विरोध में धरना प्रदर्शन है। आपकी क्या क्या मांग रहेगी? मांग ये है कि भाई यहाँ पर फर्जी डॉक्टर पाए गए, बागपत के सीएमओ ने उन पर मुकदमा तत्काल दर्ज किया, हॉस्पिटल पर कार्रवाई करी। 2 महीने में हो गए, आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर इन्होंने चला रखे, जो हाईकोर्ट ने लिख के दे दिया भाई ये हॉस्पिटल बैन है, वो भी चलवा रहे। पीएनडीटी में एक अश्विनी सर में सीएमओ है, घर गए उसने आयुष्मान कार्ड और ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने बांट दिए। कोई पीड़ित व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, कोई कह रहा है कि राइट साइड में किडनी में पथरी है, कोई कह लेफ्ट साइड में, कोई कह चूरासा है, तो आदमी के साथ मौत का खिडवाड़ शामली की जनता के साथ ये यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। और जो यहाँ के एसीएमओ हैं, इन्होंने तो यहाँ से लूट का धंधा शुरू कर दिया भाई। झोला छाप के नाम पर पूरी अवैध वसूली जिले से कर रहे, फर्जी नर्सिंग होम संचालित कर रहे, और शामली की मौत जनता के साथ मौत का खिलवाड़ कर रहे, और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी आंदोलन है और अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। अभी पूर्व में कुछ हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी तो की गई थी? नाम मात्र कार्रवाई है, वो तो ये गुना भाग में लग रहे, कहाँ तक क्या आना और कहाँ क्या जाना, वो गुना भाग में लग रहे, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आपका अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन बैठक धरना रहेगा।